धर्म की नगरी काशी को स्मार्ट लुक देने के लिए मोदी योगी सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है। काशी के कायाकल्प पर पिछले 7 सालों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं, बावजूद इसके शहर की शक्लो सूरत में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। कारण है अफसरों का बेअंदाज और लापरवाही भरा रवैया। इसकी वानगी देखने को मिल रही है पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्त सागर में, जहां नियमों को ताक पर रखकर पार्किंग एरिया को गोदाम और दुकानों को तब्दील कर दिया गया है। सप्त सागर मंडी में सुबह से शाम तक दवा व्यापारियों का तांता लगा रहता है। बनारस के अलावा आसपास के जिलों के लिए व्यापारी दवा लेने के लिए पहुंचते हैं, लिहाजा इस इलाके में जाम की समस्या बनी रहती है। सप्त सागर मंडी की तंग गलियों में जाम का दूसरा सबसे बड़ा कारण दुकान की पार्किंग एरिया में अतिक्रमण है। दरअसल अधिकांश दुकानों के बेसमेंट में वाहनों की पार्किंग एरिया को मकान मालिकों ने गोदाम में तब्दील कर दिया है। इसके एवज में मकान मालिक व्यापारियों से मोटी रकम वसूल करते हैं। मकान मालिकों की इस मनमानी का खामियाजा मंडी में पहुंचने वाले लोग और व्यापारियों को उठाना पड़ता है। इस बीच मकान मालिकों को मिल रही शिकायत पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की नींव टूटी है। मैं दिखवाता हूं इस तरह की कहां पे शिकायत आ रही है, उसको दिखवाता हूं। आप लोगों ने उसको रुकवाया भी था सर? अच्छा, मैं दिखवाता हूँ इसको कहाँ पे इस तरह की शिकायत। मैं एक बार बात करते हैं अपने अथॉरिटी सबसे, उसको दिखवाते हैं, नियम कानून से जो भी उस पर विधिक कार्रवाई कराते हैं, उसको चालू पाया जाएगा। वीडियो ने ऐसे मकानों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं जिनके बेसमेंट में गोदाम या फिर दुकानें चल रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनमानी करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच स्थानीय व्यापारियों ने पूरी समस्या के लिए वीडियो के कुछ कर्मचारियों को ही कटघरे में खड़ा किया है। लोगों का कहना है कि वीडियो कर्मचारियों की मिली भगत से बेसमेंट को गोदाम या दुकानों में तब्दील करने का कार्य चल रहा है। इस मामले में वीडियो सचिव सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि आरोपों की जांच कराई जाएगी। मंडी में मनमाने तरीके से भवन निर्माण कराने वाले लोगों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।